दोस्तों इसका एक चम्मच आप रोजाना खा लो, जिंदगी में कभी भी आपको स्किन की प्रॉब्लम नहीं आएगी, मुंह में छाले नहीं होंगे। इसके अलावा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जिसके कारण जॉइंट पेन, अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या हो जाती है, जब हमारे शरीर की इम्यूनिटी हमारे खिलाफ ही काम करने लगती है उसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। ये समस्या भी इसके सिर्फ एक चम्मच से ठीक हो जाएगी। इतना रामबाण चीज है, आपकी बीमारियां बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। और पहली बात तो ये है कि अगर आप इसका सेवन रोजाना एक चम्मच करते हैं तो बीमारियां होंगी ही नहीं। दोस्तों वो चीज है देसी घी, घर का बना हुआ। दोस्तों हमारे देश में घी का इस्तेमाल लोग पुराने समय से करते आ रहे हैं। काफी सारे लोगों को घी खाना पसंद होता है, वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो घी का सेवन करने को हानिकारक मानते हैं। घी को लेकर लोगों के बीच काफी सारी गलतफहमियां फैल गई हैं, जिसकी वजह से लोग अपने खाने में घी का इस्तेमाल करने से बचते हैं। जो लोग घी खाना पसंद नहीं करते, आज मैं उनको बता दूं कि घी ना खाने का जो आपका डिसीजन है वो हर हालत में गलत है। अगर आप किसी भी वजह से घी नहीं खा रहे तो आप एक ऐसी औषधि को खाने से बच रहे हैं जो कि बहुत सारी बीमारियों को दूर करती है, क्योंकि घी खाने से हमारी बॉडी को जो फायदे होते हैं वो किसी दूसरी दवाई से भी नहीं हो सकते। दोस्तों आज की इस बेहतरीन वीडियो में हम घी खाने के बेहतरीन फायदों के बारे में जानेंगे। आपने देखा होगा कि गाँव में रहने वाले लोग या फिर खान पान में पुराने समय से चले आ रहे नियमों का पालन करने वाले लोग वे लंबे उम्र तक हेल्दी रहते हैं। साथ ही मोटापा, हार्ट की बीमारी उन्हें कभी नहीं होती। आयुर्वेद में भी घी के काफी सारे गुण का बखान किया गया है। घी की मदद से बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। घी हमारी हड्डियों को मजबूती देता है, पेट के रोगों से हमें बचा कर रखता है, त्वचा को चमकदार बनाता है। लेकिन घी का शुद्ध होना भी बहुत जरूरी है। घी के अंदर एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल प्रॉपर्टी पाई जाती है जो हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाती है। ऐसे में घी इस्तेमाल करने से हम हर मौसम में तरह तरह की बीमारियों के इन्फेक्शन से बचे रहते हैं। इम्यूनिटी मजबूत होने से कोई भी बीमारी होने पर हमारा शरीर उसे जल्दी ही ठीक कर देता है। इसके अलावा हमारी हड्डियों और जोड़ों के बीच एक चिकना पदार्थ पाया जाता है जो कि हमारी हड्डियों के लचीलेपन और जोड़ों की मूवमेंट के लिए बहुत जरूरी होता है। अगर शरीर में इसकी मात्रा कम हो जाती है तो जोड़ों में से आवाज आती है, दर्द होना शुरू हो जाता है। ज्यादातर कंडीशन में अर्थराइटिस जैसी बीमारियां होने की वजह यही होती है। तो जिन्हें भी जोड़ों में दर्द की प्रॉब्लम होती है उन्हें हमेशा घी खाने की सलाह जरूर दी जाती है, क्योंकि घी खाने से जोड़ों के बीच पाया जाने वाला लुब्रिकेंट की मात्रा बढ़ने लगती है। इसीलिए कहा जाता है कि घी खाने वाला व्यक्ति बुढ़ापे में भी दौड़ सकता है। अगर आप कब्ज, पेट साफ ना होने की समस्या, पेट से जुड़ी किसी भी समस्या से परेशान हैं, तो ऐसे में अपनी रोज की डाइट में एक चम्मच घी जरूर शामिल करें। घी घर का बना होना चाहिए, क्योंकि घी के इस्तेमाल से पेट से जुड़ी हर प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। इसके अलावा घी दोस्तों हमारे शरीर में एनर्जी देने के साथ साथ सुंदरता भी प्रदान करता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट हमारी त्वचा पर नेचुरल ग्लो लाते हैं, और साथ ही बालों के झड़ना या बालों के सफेद होने की समस्या में घी का नियमित सेवन करने से बहुत सुधार होता है। इसके अलावा पुरुषों और महिलाओं में दोनों में अगर किसी तरह की भी अंदरूनी कमजोरी है तो उनको रोजाना घी का सेवन जरूर करना चाहिए, क्योंकि घी हमारी फर्टिलिटी पावर को बढ़ाने का काम करता है। अगर आप घी की तुलना किसी भी खाना पकाने वाले तेल से करते हैं तो उसके मुकाबले ये ज्यादा लाइट होता है और ज्यादा फायदेमंद होता है घी। लेकिन आज ज्यादातर लोग ऐसा नहीं सोचते, ज्यादा घी खाना हमारी सेहत के लिए बुरा होता है, इससे हमें कई तरह के नुकसान भी हो सकते हैं। इस तरह की बातों को जिन्होंने सबसे पहले से लाए हैं वो है बड़ी बड़ी विदेशी रिफाइंड कंपनियां। मुनाफा कमाने के लिए तेल को दिल और हेल्थ के लिए अच्छा बताती हैं, घी को बुरा बताती हैं, उनके फायदे नहीं हैं ये बताती हैं, जिसके चलते आजकल ज्यादातर लोग घी को मोटापा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने वाला समझते हैं, इसका सेवन करने से कतराते हैं, जबकि ये बात पूरी तरह से सच नहीं है। घी कई तरह से पोषक तत्वों से भरपूर होता है और ये सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है गाय का घी। जी हाँ, क्योंकि गाय का घी हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने नहीं देता। घी के अंदर फाइबर की मात्रा अच्छी होती है, इसमें मौजूद चिकनाई हमारे पेट और आंतों में जमा गंदगी को बाहर करती है, जिसकी मदद से शरीर में जमी जिद्दी चर्बी भी पिघलकर बाहर हो जाती है। तेल के मुकाबले घी को पचने में ज्यादा आसानी होती है।
जितनी जल्दी ये पचता है उतनी ही जल्दी ये हमारे खून और शरीर के दूसरे अंगों में पहुंच जाता है। इसीलिए इसका असर हमारे शरीर के अंगों के साथ साथ हमारी आंखों और दिमाग पर भी होता है। रोजाना घी खाने वाले व्यक्ति की सोचने और समझने की शक्ति दूसरे लोगों के मुकाबले ज्यादा होती है। इसीलिए पढ़ाई करने वाले बच्चों को और बढ़ती उम्र के लोगों को रोजाना घी का सेवन जरूर करना चाहिए, लेकिन इसकी मात्रा रोजाना सिर्फ एक चम्मच होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप खांसी, नजला, जुकाम से परेशान है या बच्चों में ये प्रॉब्लम रहती है, नाक बहती रहती है, नाक जमा रहता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, सीना जमा रहता है, तो घी इसके लिए एक रामबन औषधि की तरह काम करता है। अगर आप नाक के अंदर एक बूंद घी डालेंगे हल्का सा गुनगुना करके, तो आपको इसके फायदे तुरंत मिलेंगे। आप घी का इस्तेमाल गर्मियों में भी कर सकते हैं, इससे आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। खास तौर पर गर्मियों से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, डिहाइड्रेशन हो जाता है, ये दिक्कत भी नहीं होगी। घी खाने से आपका पेट और आंतें स्वस्थ रहेंगे, जिसकी वजह से आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको रोजाना घी का सेवन करना है। आइए जानते हैं घी का सेवन कैसे करना है, कितनी मात्रा में करना है। दोस्तों, खाने में कोशिश करें कि गाय का घी ही इस्तेमाल करें, क्योंकि घी अपने आप में एक प्योर फैट है और गाय का घी सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। घी के अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, सोडियम, शुगर और फैटी एसिड के साथ साथ फाइबर मौजूद होता है। कहा जाता है कि रात के मुकाबले दिन के समय घी काफी तेजी से पचता है और शरीर में पूरी तरह से अब्सॉर्ब हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि घी का इस्तेमाल आपको हमेशा दिन के समय में करना चाहिए। अगर घी खाना चाहते हैं तो इसकी मात्रा आपको एक चम्मच ही रखनी है। आप घी का इस्तेमाल कैसे करें? आप घी का इस्तेमाल अपनी सब्जी में डालकर या फिर अपनी रोटी के ऊपर लगाकर कर सकते हैं, पर ध्यान रखिए कभी भी घी को लगाने के बाद तवे पर नहीं किया जाता रोटी को, यानी कि तवे के ऊपर घी लगाकर रोटी को गर्म नहीं करना, ये बुरे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने का काम करेगा। लेकिन रोटी पकने के बाद अगर आप घी लगाते हैं तो वो आपके लिए फायदेमंद होगा, इस चीज का आपने जरूर ध्यान रखना है। इसके अलावा परहेज की बात करें तो घी खाने के बाद आपने जस्ट ठंडा पानी या किसी भी ठंडी चीज का सेवन, दही का सेवन या फिर सैलेड का सेवन नहीं करना। आयुर्वेद के अनुसार घी जितना पुराना हो उतना बेहतर होता है। अगर ये 100 साल पुराना है तो वह उससे भी बेहतर है, पर आजकल इतना पुराना घी मिलता नहीं है, क्योंकि वो घर का भी होना चाहिए और अच्छा और पुराना भी होना चाहिए। मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ घी बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। तो दोस्तों, ये थी इन्फॉर्मेशन घी के बारे में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज से आप खुद अपने बच्चों को और बुजुर्गों को घी खिलाना जरूर शुरू करेंगे और मात्रा का ध्यान भी जरूर रखेंगे। दोस्तों, ये जानकारी, ये इन्फॉर्मेशन यहीं तक थी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, आपके काम की है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और अगर आपके कोई भी सवाल हो तो जरूर पूछिए, आपके हर एक सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बाय।